बहुत समय पहले की बात है कि उत्तरकाशी के एक एकांत स्थान पर एक वयोवृद्ध स्वामी जी रहते थे। वे महान तपस्वी थे, महात्मा थे। वर्षों से कई कई घंटों समाधिस्थ रहा करते थे, किसी से बात नहीं करते थे। हमेशा मौन रहकर साधुओं और ब्रह्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले चित्त से ही भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। साधुओं, गृहस्थों, विद्यार्थियों, दुकानदारों सबके मन में उनके लिए बड़ा आदर था। वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और कपड़ों में के लिए उनके पास नाम मात्र के केवल दो अंगोछे और दो लंगोटियाँ थी। एक भिक्षा का पात्र था और पानी के लिए एक कमंडक था। वो सच्चे आदर्श महात्मा थे जो कभी किसी दुकान से कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन की बात है कि दिवाली का दिन था तो संपूर्ण उत्तरकाशी जगमगा रही थी और उस पूरे जगह की इकलौती मिठाई की दुकान सबसे ज्यादा सजी थी। तरह तरह की मिठाइयाँ बनी थी, जलेबियाँ, मैसूर पाक के तो ऐसे लग रहा था ढेर लगे पड़े थे। शाम का समय हुआ, दुकान पर ग्राहक टूट पड़े। ऐसे में दुकान के मालिक के तीन बेटे और नौकर जाकर सब मिलकर काम संभालने में लगे थे। आज तो स्वामी जी भी जलेबियों के ढेर के पास से कोने में खड़े थे। अब दुकानदार ने स्वामी जी को सादर दुकान के अंदर बुलाया तो स्वामी जी से उनकी मनपसंद मिठाई खाने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन स्वामी जी ने नम्रता के साथ मना कर दिया। लेकिन थोड़े ही देर बाद दुकान में खड़े सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि स्वामी जी ने वो जो वहाँ पे विक्रय के लिए जलेबियों का ढेर बना था उसको ऊपर से नीचे तक अपनी जीभ से चाट दिया। अब सब की सब जलेबियाँ जूठी हो गईं और इस जूठी जलेबी को कोई नहीं खरीदेगा। दुकानदार के सभी बेटे गुस्से में स्वामी जी की तरफ बढ़े और उनकी बड़ी पिटाई कर दी। इतनी पिटाई करी कि शरीर से खून भी बहने लगा, बहुत चोट लगी। जैसे तैसे अपनी कुटिया पे पहुंचे। अगले तीन दिन तक कष्ट सहते रहे, भगवान का जाप करते रहे और मुस्कुराते रहे। स्वामी जी के नजदीक की कुटिया में रहने वाला एक और साधु चौथे दिन उनके लिए चाय, पानी और दवा मरहम लेके आया। सेवा पूरी होने के बाद उसने पूछा कि स्वामी जी, आपने ये अविश्वसनीय कार्य क्यों किया, कृपा करके बताएं। तो स्वामी जी बोले, मैंने सारा जीवन अनेक नियम संयम अपनाया, राग द्वेष वासना कामना कुछ बिना रह गई, लेकिन बचपन से मेरे मन में जलेबियों के प्रति लालच था। खूब कोशिश की लेकिन उससे छूट न सका। मन को हर बार समझाया लेकिन ये मानता ही नहीं था। थक हार कर मैंने इसे कठोर सजा देने का निर्णय किया ताकि इसे शेष जीवन में ठीक से याद रखे, और मैंने जानबूझकर सभी जलेबियों को चाटा ताकि मेरी जमकर पिटाई हो, और अब ये मन जलेबी के नाम से भी कांपने लगता है। तो याद रखें दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है अपने मन पर काबू रखना, क्योंकि ये मन है जिसको कहीं भी किसी जगह भी नहीं रोका जा सकता है। और सबसे ज़्यादा अपराध जो हम करते हैं वो इस मन के वशीभूत होकर ही करते हैं।